वाली का बोल साचे दरबार की। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माई के दरबार में मैं मधु शर्मा सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भारत त्योहारों का देश है, हर त्योहार का अपना अलग अलग महत्व और उसको मनाने का अलग अलग कारण है। ऐसे ही नवरात्रि का भी एक अलग महत्व है। नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का त्योहार है। दुर्गा मतलब दुख को दूर करने वाली। नवरात्रि के 9 दिन में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माँ की उपासना करता है, माँ दुर्गा उसके दुख दूर करके संपत्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ के 9 रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है, तो आइए माँ की स्तुति करते हैं। ओम शैलपुत्रे नमः, ओम शैलपुत्रे नमः, ओम शैलपुत्रे नमः। माँ दर्शन दे, माँ दर्शन दे, माँ दर्शन दे। देव
बेटी। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। आयुष्मान भव। आज नवरात्रि का पहला दिन है। हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत महत्व है। माता शक्ति की उपासना का ये त्योहार साल में चार बार आता है, पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा पौष और अश्विन में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माता की उपासना की जाती है। तभी नवरात्रि में पहले दिन माता के पहले रूप शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया था, जिसमें अपनी पुत्री दक्षायणी और शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। इस बात से आहत होकर वो अपने पिता के पास पहुंची, तो उन्होंने माता दक्षायणी को अपशब्द कहे और शिव को भी अपमानित किया और इसी कारण माता सती योग अग्नि में भस्म हो गई। उसके बाद अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ के एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ में त्रिशूल। माँ की सवारी बैल है। माँ आपके एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में त्रिशूल, इसका क्या अर्थ है? कमल कोमलता और त्रिशूल सुरक्षा का प्रतीक है। एक औरत का मन कमल की तरह सुंदर और कोमल होता है, लेकिन कोमल वस्तुओं को लोग सबसे पहले ठेस या हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए सुरक्षा के लिए दूसरे हाथ में त्रिशूल है। तब के युग में आपकी सुरक्षा के लिए आपके हाथ में त्रिशूल था, लेकिन अब ये संभव नहीं। तो इस युग में औरतें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? आज की संसाधन जैसे योग, व्यायाम, खेल, औरतें व्यायाम करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकती हैं। कई ऐसे शारीरिक खेल हैं जिन्हें सीख कर वह अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। तो मैं सभी माता बहनों से अनुरोध करती हूँ कि कमल की तरह कोमल रहें, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत भी रहें। माँ, मेरे मन में एक सवाल है, आपको प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? मैं चढ़ावे या प्रसाद से खुश नहीं होती, मैं खुश होती हूँ भक्ति से। तो आइए बड़े ही प्यार से, सच्चे मन से माँ को भेंट करते हैं एक और प्रस्तुति। नवरात्र के पावन महीना आयल भये हुए हैं और आज आप तमाम भोजपुरी श्रोता समाज खातिर हमनी के अपन चैनल, अपना घर के चैनल, जे की माई के प्यारा सा दरबार लगौले बा, जहाँ भी बानी, जहाँ से भी देखतनी माई भक्ति में आई, एगो गोता लगा ली हल जाओ। हम गायक राकेश मिश्रा आप लोग के साथ है माई भजन के प्रस्तुति दे रहा बानी। आस में विश्वास लेके हर दर पे आइल बानी, माई भक्ति के शक्ति तमिलवे करी। देखिए भाव बा, एगो लड़का कैसे अपना माई के बुलावता और का कहता कि अंगना लिपवले बानी, कि चौका पुरवले बानी, कि घरवा में एगो माई बेदियो सजवले बानी, आ बेदियो सजवले बानी, कि अपना बेटवा के हो, कि अपना बेटवा के ललसा पुराई जाई तुए माई। हम बोलावतनी, हम बुलावा तनी, हम बुलावा तनी माई, हर आई जाई तू,
हम बोलावा तनी माई घर आई जाई तू माँ माँ और बेटा ये दोनों ऐसा शब्द है भैया कि माई के बिना जिंदगी अधूरा बा और जेकरा सर पे माई के हाथ रही ओकरा से बड़ा कुछ हो नहीं कह सकत। देखी भाव कैसे बा ओ भक्त के और कहता लिपनी अंगना वाए माई अंगना में हमार तयाई ए माई हा हा लिपनी अंगना वाए माई अंगना में हमार तयाई ए माई हमारो तहो किया के हमारो तहो होया के हमारो तभकिया जगाई जाई तुए माई हम बोलावा तनी हम बोलावा तनी हम बोलावा तनी माई घर आई जाई तू हम बोलावा तनी माई घर आई जाई तू निमिया की डाढ़ी मैया लावेली झूलू हवा हो कि झूली झूली बाबा वो बच्चा के अपना माई से देखी का अनुरोध बा कहता आई बुझे घरे तजुड़ाई तोहरो जे दर्शन पाई बे माई हाँ आई बुझे घरे तजुड़ाई तोहरोज दर्शन पाई बे माई तोहरोज दर्शन पाई तो हमारा सुरवा में हो कि हमारा सुरवा में हो हमारा सुरवा में आके समाई जाई तुए माई हम बोलावा तनी हम बोलावा तनी हम बोलावा तनी माई घर आई जाई तू 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 साचे दरबार की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति के बाद मैं माँ से जानना चाहूंगी कि उनको हमारी भक्ति कैसी लगी। क्या वो प्रसन्न है हमारी भक्ति से? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ। मांगो क्या मांगती हो? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए वर है। मेरे भक्तों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहता है। तुम वर मांगो। मुझे तो बस खुशी चाहिए। अगर खुशी चाहिए
तो दूसरों को खुशी दो, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, जो दोगे वही मिलेगा और अधिक मात्रा में मिलेगा। प्रेम, सम्मान, प्रसन्नता, सब जिसको जितना दोगे उसे उतना अधिक मात्रा में पाओगे। तथास्तु। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके मन प्रसन्न हो गया। आइए सभी भक्त मिलकर माँ की आरती करते हैं।